मोबाइल से सब चीजें होती है, मोबाइल से वीडियो भी बन जाता है, मोबाइल से एडिटिंग भी होती है, मोबाइल से सब चीजें बन जाती है। आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है गाइस, जिसको लोग देख के वीडियो देखते हैं, वो होती है दो गाइस। जैसे मेरे पास हीरो 9 है, GoPro हीरो 9, तो आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको स्पीच देनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है गाइस, जब भी आप मोबाइल से शूट करो, कैमरे से शूट करो, किसी भी चीज से शूट करो, आपको देखना है कैमरे में। जब हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का जो वीडियो टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देखे तो समझ गए होंगे कि किस बेस पे मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी को पहले से गुड इवनिंग पहले, तो क्योंकि शाम के 5:45 बजने वाले हैं, और आप सभी को पहले से गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ। फिलहाल देख सकते हो मौसम बहुत शानदार हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज का जो टॉपिक की वीडियो है वो बनाया जाए, और कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, छोटा सा ही वीडियो रहेगा, पर टॉपिक पे वीडियो वो तो आपको समझ ही आ गई होगी। तो ये मेरे पास GoPro 9 जो मैंने मेरे दोस्त से मंगाया था, मेरे को शूट करना था इसके लिए। तो गाइस प्रॉपर ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग कैसी की जाती है, ब्लॉगिंग के लिए लगने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, इस बेस पे मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ब्लॉगिंग के लिए तो जरूरी नहीं कि कैमरा होना चाहिए, क्योंकि मैं आईफोन से शूट करता हूँ, इसलिए मैं कैमरे का जो फुटेज है वो भी डाल दूंगा, उसका भी डाल दूंगा। तो मेन है मेरे पास वायरलेस माइक, इम्पोर्टेंट, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो। ये क्या हो गया, दूसरा हो गया ट्राइपॉड, जो आपको आसानी होगी माउंट करने में मोबाइल। और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, जो आपके पास होना चाहिए अच्छे से अच्छा क्लैरिटी वाला कैमरे वाला मोबाइल। मोबाइल से सब चीज़ें होती है, मोबाइल से वीडियो भी बन जाता है, मोबाइल से एडिटिंग भी होती है, मोबाइल से सब चीज़ें बन जाती है, टाइटल लग जाता है, थंबनेल लग जाता है, सब चीज़ें आप बना सकते हो। तो पहले तो आप लोगों को वीडियो बनानी आनी चाहिए, उसके बाद दूसरी बात एडिटिंग होना चाहिए आपके साथ बराबर, एडिटिंग आपको आना चाहिए, कैसे एडिटिंग की जाती है। और तीसरी बात, आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है गाइस, जिसको लोग देख के वीडियो देखते हैं, वो होती है थंबनेल। जो फुटेज आप यूट्यूब में देखते हो, जैसे स्क्रॉल करते हो, आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें आती है, पैसे कैसे कमाए, ऑनलाइन कैसे जाए, मतलब बहुत से टॉपिक पे थंबनेल बने रहते हैं। जैसे आप लोग यूट्यूब चलाते हो, तो गाइस सिर्फ चलाओ मत, यूट्यूब पे काम भी करो। यूट्यूब पे काम जब तक नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं होगे, खुद करोगे प्रैक्टिस करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए इस बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मोबाइल आपको पकड़ना है, कैमरा हो मोबाइल हो। जैसे अभी आप लोगों को ये मोबाइल सॉरी ये कैमरा दिख रहा है मेरे पास, GoPro 9 है। तो मेरे पास अभी मेरे दोस्त का मोबाइल है, कैमरा है, सॉरी मेरे पास मोबाइल ही बात आ रही है, क्योंकि मैं मोबाइल से ही बताने वाला था, क्योंकि मोबाइल से कैसे प्रॉपर ब्लॉगिंग की जाती है उस चीज़ पे मैं बात करने वाला था। तो गाइस जैसे मेरे पास हीरो 9 है, GoPro हीरो 9, इस तरीके से मैं आप कैमरे के सामने आकर बात कर रहा हूँ, उस तरीके से आपको भी बोलना है, बिल्कुल बेधड़क बोलना है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें भी शूट करता हूँ और उसमें भी शूट करता हूँ, ताकि मैं जब वीडियो एडिटिंग करूँ तो इसकी भी फुटेज और उसकी भी फुटेज मैं आपको दिखाऊँ। तो इस तरीके से इसका शूट होता है, जैसे मेरी स्पीच है, हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आप सभी को पहले से गुड इवनिंग, और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज कुछ इस तरीके से आपको स्पीच देनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है गाइज, जब भी आप मोबाइल से शूट करो, कैमरे से शूट करो, किसी भी चीज़ से शूट करो, आपको देखना है कैमरे में। जब तक आप कैमरे में नहीं देखोगे तब तक किसी को फील नहीं आएगी कि आप किससे बात कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरा एक कैमरा है, और कोई भी अगर आदमी आपके सामने आता है, आप कैसे बातें करते हो उससे कि कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, कुछ इस तरीके से आप जैसे बातें करते हो, वही कैमरे के सामने आपको बात करनी है। जब तक आप कैमरे के सामने आकर बात नहीं करोगे, किसी को फील नहीं होगा कि आप उनसे बात कर रहे हो। तो अभी आपको सोचना है कि किस तरीके से आपको आपके मन की बात करनी है और फैमिली बनानी है प्रॉपर। जैसे मैं मान लीजिए अभी मैं बिल्कुल आउटडोर शूट कर रहा हूँ, देख सकते हो आप मेरे आगे पीछे सब पब्लिक है, आप भी देख सकते हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डर होता है, वो डर निकालना पड़ता है,
जब तक खुद से बातें नहीं करोगे तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। खुद के साथ बातें करो, खुद के साथ, जब तक खुद के साथ बातें नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। ऐसे मोबाइल पकड़ने के लिए आपको इस चीज देख सकते हो आप किस एंगल पे मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो बस सिंपल ऐसा करना है आपको, बस सिंपल जैसे कि मैंने अभी किया है। आपको जैसे कुछ भी नर्वस नहीं होना है, कैमरे के सामने आते ही कैसे बोलना है, जैसे मेरे पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे कितने लोग हैं मेरे पीछे जाने वाले आने वाले, मैं ना उनसे डर रहा हूँ ना कुछ, वो कोई अपन को मतलब फांसी पे तो चढ़ाने वाले नहीं है गाइस। बस प्रॉपर अपन को अपने ऊपर फोकस करना है कि आपको क्या बोलना है और क्या दिखाना है, जैसे कि मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को भी। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको प्रॉपर कैमरा पकड़ना आना चाहिए, जैसे मैंने पकड़ के रखा है, जैसे आप लोग मेरे को देख रहे हो ये कैमरा भी देख रहा है, और आप लोगों को मैं दिखा इसलिए रहा हूँ गाइस। बहुत से लोग नए साल में नई शुरुआत करना चाहते हैं लाइफ की, जो नई शुरुआत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जो टॉपिक है ये है व्लॉगिंग, जो करने की कोशिश करते पर हो नहीं पाता है प्रॉपर, क्या करना है कैसे करना है। बहुत से लोग कैमरे के सामने आते ही डर जाते हैं, और आप लोग देखना मेरे कम से कम अभी ये मेरी 100 वीडियो होने वाली है जो मैं अभी अपलोड करूँगा, ये वीडियो तो 100 होने वाली है। 100 वीडियो में ऐसा है गाइज, मेरा 100 वीडियो में पहले की जो वीडियो थी मेरी इतनी अच्छी वायरल नहीं हो रही थी, उसका कारण भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। उसका कारण ये है कि मैं प्रॉपर उसके लिए ना तो थंबनेल बनाता था, ना टाइटल लिखता था, ना तो मुझे टैग लगाना आता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है टैग, थंबनेल एंड टाइटल, जो टाइटल थंबनेल और टैग जो होते गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करते हैं वो, कि आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए। कोई बड़ा यूट्यूबर आप लोगों को अच्छे से अच्छे चीज़ को बता नहीं पाएगा कि आप लोगों को कैसे वीडियो बनानी है, क्या लगाना है, कैसे करना है, कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो सोचता ही नहीं कि आप लोग आगे बढ़े। अभी दूसरा टॉपिक ये है कि आपको दूसरे टॉपिक मतलब एग्जांपल दूसरी चीज़ अगर मान लीजिए आपके पास ट्राईपॉड है तो और अच्छी बात है, ट्राईपॉड से बहुत अच्छी ब्लॉगिंग होती है, क्योंकि जैसे हाथ हिल रहा है तो जो ट्राईपॉड होता है वो बिल्कुल स्टेबलाइजेशन उसकी बनी रहती है जो आपको प्रॉपर काम करेगी। तो चलिए मैं ट्राइपॉड लगा के आपको दिखाता हूँ कि ट्राइपॉड लगाने के बाद आपको किस तरीके से मोबाइल में बोलना है और किस तरीके से आपको वीडियो बनानी है। तो चलिए मैं ट्राइपॉड लगा लेता हूँ पहले। जैसे मेरे पास सेल्फी स्टिक है, मेरी ट्राइपॉड नहीं कह सकता हूँ मैं, ये सेल्फी स्टिक है, तो इसको अभी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको। तो कुछ इस तरीके से मैंने वाइट एंगल में मैं शूट कर रहा हूँ इसको, तो देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से मेरी ब्लॉगिंग सेटअप जो है बन चुका है। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो होता ही है कि इस तरीके से आप लोग ब्लॉगिंग कर सकते हो। और आप लोग बिल्कुल बेधड़क बोलिए, कोई आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचेगा, दो दिन तक हंसेंगे, तीसरे दिन आपको एक ही बात बोलेंगे कि यार क्या ब्लॉगिंग करता। बस आप लोगों को भी एक बात याद रखना है किस तरीके से आपको मोबाइल पकड़ना है। जैसे देख सकते हो मैं अभी चल रहा हूँ और मैं आ चुका हूँ एक मस्त खुले मैदान में, जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और क्या क्या सेटअप होता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और आप लोग जितने बिगनर्स हो, कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी, बस आप लोगों को सोचना है किस चीज़ पे मेहनत करना है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और चौथी चीज़ जो होती है वो टैग भी हो सकता है मेरे ख्याल से, टैग। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और किस तरीके से ये ब्लॉगिंग करते हैं अभी आपको समझ ही गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।